विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया काफिला के साथ जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे, जहां पर मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने डॉक्टर तोगड़िया का पुष्पमाला, दुपट्टा और प्रसाद से स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में तोगड़िया ने बताया कि मैं गोविंद देव जी के दर्शन करने पहुंचा हूं। मैंने गोविंद देव जी से हिंदुओं की समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान बढ़ने की कामना की। लोकसभा चुनाव के पश्चात आने वाली नई सरकार हिंदुओं के कल्याण कार्य को गति प्रदान करे। भगवान में मैंने यही प्रार्थना की भगवान से। इसी मौके पर एवन टीवी ने डॉक्टर तोगड़िया से खास बातचीत की। गोविंद देव भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आए हैं। सभी हिंदुओं का कल्याण हो और हिंदुओं की समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान बढ़े और आने वाली नई केंद्र की सरकार हिंदुओं का कल्याण का काम और गति से आगे बढ़ाए, यही भगवान से प्रार्थना। सर, जिस तरह अभी जनता जनार्दन सनातन धर्म हिंदू अब जागा है और राम मंदिर का भी यहाँ अयोध्या में निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ और मथुरा के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल,